मेरे YouTube चैनल द प्रोग्रामिंग हमें आपका स्वागत है। पार्ट वन की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार से नोटपैड का यूज़ करके हम लोग HTML के कोड्स को लिखेंगे और उसको वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम में किस तरीके से जो है हमें रन कराना है, इस बात पे पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसमें देखेंगे कि और हम लोग HTML का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे के क्या प्रोसेस होंगे HTML में। तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सबलाइम टेक्स्ट का। अगर आपके पास नहीं है सबलाइम टेक्स्ट तो आप गूगल क्रोम में जाइए, उसको सर्च कीजिए और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है HTML सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जब हम खोलेंगे तो हमें यहाँ पे पहले से कुछ खुला हुआ है, इसको बंद कर लेना है। यहाँ फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद हमें न्यू पे क्लिक करना है। ओके, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अनटाइटल करके हमारे सामने जो है एक आ चुका है, नया फाइल है ये। इसको पहले हम सेव कर लेंगे कंट्रोल एस दबाकर। ओके, तो कंट्रोल एस दबाने के बाद में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, हमें लोकेशन चूज़ करना है कि हमारा लोकेशन कहाँ रहेगा। आज फिर हम एकदम नए सिरे से यहाँ पर बनाने वाले हैं HTML को। तो मेरा हमेशा की तरह डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ क्योंकि मुझे मिलेगा। आप अपने हिसाब से सी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव, चाहे जो भी आपके पास ड्राइव है आप अपने हिसाब से उसको रखिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे सेव किया और नाम मैंने इसके दे दिया है, इसका मैंने दे दिया है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बेसिक डॉट एच टी एम एल। मैंने बेसिक डॉट एच टी एम एल नाम से इसे सेव कर लिया। और यहाँ पे सेव होने के बाद में आपको क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पे एच टी लिखना है। देखिए एच टी एम एल लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप एंटर बटन दबा दीजिए और देखिए जो भी हमें लिखना था, हेड टाइटल वगैरह सब कुछ इसने बनाकर फॉर्मेट आपको दे दिया है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होना चाहिए कि पहले फाइल आपका सेव हो, तभी जाकर ये ऐसे आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ओके, तो इतना हो गया हमारा काम टाइटल में, जो भी होता है मेरा। तो बेसिक वेब पेज कर देते, कुछ भी हम लिख सकते हैं, बेसिक वेब पेज। तो ये टाइटल हो गया। बॉडी के अंदर अब हमें जो भी काम करना होगा वो बॉडी में करना होगा, बाकी तो हमें सोचना ही नहीं है कि कहाँ क्या लिखना है। टाइटल में हमने लिख ही दिया और फिर हमारा जो है बॉडी में अब हमको काम करना है। बॉडी में काम करने के लिए हम कैसे काम करेंगे, तो देखिए कुछ बेसिक टैग्स हैं, जैसे पी फॉर पैराग्राफ, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, ये चार चीज़ों पर आज हम काम करेंगे। फिर से एक बार, पी फॉर पैराग्राफ, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और भी कुछ टैग्स हैं जिनका नाम मैं लूँगा। जैसे एक होता है एच वन, इसका मतलब होता है हेडिंग वन, जैसे होते हैं ना एम एस वर्ड में, होम टैब में हेडिंग वन, हेडिंग टू, टाइटल वगैरह ये सब। तो एच वन यहाँ पर हेडिंग वन का काम करेगा, एच टू हेडिंग टू का काम करेगा, एच थ्री हेडिंग थ्री का काम करेगा। अगर आपने वर्ड पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर होगी, जिसका हम लोग यूज़ करते थे क्रॉस रेफरेंस बनाने में, हेडिंग बनाते थे ना हेडिंग वन हेडिंग टू, तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम लोग हेडिंग वन में लिख रहे हैं, अच्छा हमें कुछ लिखना है तो हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, हम एमएस वर्ड में ही चलते हैं। तो विंडो प्लस आर किया मैंने और हम यहाँ पे चले जाएंगे विन वर्ड में, क्योंकि इतने जल्दी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम विन वर्ड से कुछ लिखा हुआ ले आते हैं और उसको जो है यहाँ पर पेस्ट करके और फिर हम अपने काम को कर लेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू आर ए एन डी और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर लेना है। यहाँ पे जो भी हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है रैंडमली, इसको हमें कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में हमें चलना है सबलाइम टेक्स्ट के अंदर और सबलाइम टेक्स्ट में ये जो एच वन है इसे मिटा लीजिए और यहाँ हमें पेस्ट कर देना है इसे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हमने अभी लिखा वो सब कुछ जो है वेब ब्राउज़र में आ जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं इसे और इसको देखने के लिए, जैसा कि मैंने बताया ये डेस्कटॉप पे है तो मिनिमाइज़ कर लिया और डेस्कटॉप पे बेसिक नाम से मेरा जो फाइल बना है वो यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो इसको खुलने का वेट करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर बेसिक वेब पेज टाइटल में आ रहा है और बॉडी वाले एरिया में हमने जो भी पेस्ट किया है वो आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे पैराग्राफ वाइज नहीं आ रहा है, सब कुछ रनिंग राइटिंग में यानी कि लगातार आते जा रहा है। हमें क्या करना होगा कि इसे पैराग्राफ के रूप में लाना होगा, जैसे कि
हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में, और सबलाइम टेक्स्ट में जाने के बाद देखिए जहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है उसके आगे पीछे हम एक टैग लगाएंगे जिसका नाम होगा पी। तो यहाँ पर हमने लिखा पी, इसका मतलब हुआ कि ये एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ लास्ट में हम कर देंगे पी को बंद। ये पी हमारा बंद हो गया, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ आ चुका है। ओके, तो एक पैराग्राफ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे और फिर हम चल के क्रोम में इसका रिजल्ट देखेंगे F5 दबाकर। तो देखिए पहला हमारा पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए दूसरा करते हैं। तो दूसरे के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक नया पी लेना होगा जिससे कि पैराग्राफ हमारा दूसरा बनेगा, और लास्ट में जाकर हमें उस पैराग्राफ को फिर से बंद कर देना होगा। ठीक है, उस चले तो इस प्रकार से मैंने चारों पैराग्राफ को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, और चेक कर लेते हैं इसे। F5 दबाएंगे, यहाँ पे चार अलग अलग पैराग्राफ हो गए। लेकिन आप कहेंगे कि जो जितना लिखा हुआ है उतना ही लिखा है, यानी कि आपने यहाँ के बाद क्लिक के बाद जो लाइन चेंज है वो वहाँ भी होना चाहिए। तो आपको हर पैराग्राफ के लास्ट में एक टैग डालना पड़ेगा जिसका नाम है BR। ठीक है, BR टैग क्या करेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार लिखना नहीं है। कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया BR टैग। जहाँ से आपको लाइन चेंज करना है वहाँ पर आप इस BR टैग को डाल दीजिए। ठीक है, जहाँ भी आपको लाइन चेंज करना है आप वहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा। उसके बाद हेडर के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए BR। सभी जगह BR टैग लगाने के बाद हमें यहाँ पे इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है, और फिर से वेब ब्राउज़र में जाकर हमें इसे रीलोड करना है। रीलोड करते ही हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो अरेंज हो गया उसी के अकॉर्डिंग, जहाँ से हमने BR लगाया है वहाँ से ये जो है आपका कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि लाइन चेंज हो गया है वहाँ से। चलिए तो अब आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे अगर हमें सबका साइज़ बढ़ाना है तो हम दो तीन तरीके हैं, कोई एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप फॉन्ट लिख लीजिए, फॉन्ट कीजिए और साइज़ लिखिए इसका। फॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू, एंटर दबाने पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 कर दीजिए, और फिर देखते हैं कि इसका साइज़ कितना हुआ। कंट्रोल एस एंड F5, तो बहुत बड़ा हो गया साइज़, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ 6 की जगह हम 4 कर देते हैं, और फिर ओके इट इज़ कॉल फॉर परचेस। तो ये साइज़ लगभग सही है, 4 पे नहीं होता तो 5 करके देख लेंगे। ओके, तो फॉन्ट साइज़ 4 हो गया। इसके बाद में अभी आप देख पा रहे हैं कि जो भी है सब कुछ अच्छे से अरेंज है, और सबलाइम टेक्स्ट में यही फ़ायदा है कि आपको सब कुछ कलर में मिल जाएगा, समझने में आसानी होती है। तो ये सारी इसकी फैसिलिटीज़ हैं, ये अच्छा खासा मतलब आपको इंटरफेस दे देता है जिससे कि आप आसानी से अपने काम को कर पाते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि सेंटर में जाए, तो एक चीज़ होता है जो हमें इसमें लगाना होगा, हम लगा देते हैं बॉडी के जस्ट बाद। देखिए बॉडी के जस्ट बाद मैंने लगाया div डिवीज़न। ठीक है, इसको डिवीज़न कहते हैं, तो डिवीज़न मैंने लगाया और लास्ट में डिवीज़न को कर दिया बंद। फॉन्ट भी बंद हो गया और डिवीज़न भी बंद हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, ये डिवीज़न लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब डिवीज़न के अंदर जब हम लोग स्टाइल लगाएंगे इसका, डिवीज़न के अंदर हम लोग इसका जब स्टाइल लगाएंगे तब इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी अगर हम सेव करके इसको चेक करें तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, वो डिवीज़न के अंदर बंद तो हो गया है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बंद हुआ तो कैसे। तो स्टाइल में हम एक एक चीज़ करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे डिवीज़न काम करेगा। तो हमने लिखा स्टाइल इज इक्वल टू, अब स्टाइल में लिखने का एक थोड़ा सा तरीका होता है उसको जान लीजिए। यहाँ पे कॉलन और सेमी कॉलन का ध्यान रखना होगा, बीच में कॉलन और लास्ट में सेमी कॉलन। जैसे बॉर्डर का डिवीज़न का स्टाइल हमने लिखा, तो हमने लिखा बॉर्डर, एंटर दबाया, एंटर दबाते हैं कॉलन इसने ले लिया बॉर्डर ने। ठीक है, तो बॉर्डर में हमने लिखा 2px स्पेस दिया, और फिर लिखा सॉलिड, इसका मतलब हुआ टूट टूट के नहीं, मतलब एकदम सॉलिड बॉर्डर आएगा, और फिर स्पेस देके हमने लिखा ब्लैक और सेमी कॉलन दिया। मैंने क्या कहा कि इसमें बीच में कॉलन और लास्ट में सेमी कॉलन। तो ये स्टेटमेंट हुआ डिवीज़न का स्टाइल कैसा होगा, बॉर्डर होगा इसका कैसा 2px मोटा, सॉलिड और ब्लैक, तीनों बात एक ही वर्ण में बोलकर और यहाँ पे सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट यानी ख़त्म कर दिया। यानी ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया कि बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक होगा। कंट्रोल एस करते हैं और इसका देखते हैं कि इफ़ेक्ट पड़ा कि नहीं। देखिए ये इफ़ेक्ट पड़ गया है,
लेकिन डिवीज़न जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट पे है, पूरे डॉक्यूमेंट पे। हम चाहते हैं कि नहीं ये थोड़े से ही दूर पे हो, यानी उसकी कुछ विड हो, हाइट और विड समझते हैं आप, तो इसकी थोड़ी सी कुछ विड हो। तो विड हमने लिखा, अब सेमी कॉलन देने के बाद आप स्पेस देकर लिखिए WIDTH विड, एंटर दबाते ही वो कॉलन ले लेगा, नहीं तो खुद से भी डाल सकते हैं। तो विड में हमने कहा कि इसका विड 400 पिक्सल हो, अभी कंफर्म नहीं है कि 400 ही पिक्सल होगा, 400 पिक्सल पे हम चेक कर रहे हैं, और सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट किया, कंट्रोल एस किया, और चल के यहाँ पे हम इसका लुक देखते हैं। देखिए 400 पिक्सल में काफ़ी ज़्यादा इसका पतला हो गया विड, तो हम 400 पिक्सल की जगह इसे 600 पिक्सल करके देखते हैं। 600 पिक्सल में अगर आपके काम लाइक हो गया तो ठीक है, नहीं तो और थोड़ा सा हम इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको ये BR लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप यहाँ पे डिवीज़न लगाते हैं तो ये BR की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं इस BR को हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत जगह है तो रिप्लेस कर देते हैं ना, कंट्रोल के साथ H दबाएंगे। नीचे पूछ रहा है कि किसको रिप्लेस करना है, फाइंड, तो फाइंड में हमने दिया ग्रेटर लेस देन BR और ग्रेटर देन, ठीक है। और इसको चेंज कर देना है एक स्पेस में, मतलब वहाँ बस एक स्पेस आ जाए, और रिप्लेस ऑल कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ है वहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। मतलब जहाँ भी ये BR था वो स्पेस आ गया, ये समझ में आपको आया होगा कि रिप्लेस का कॉन्सेप्ट था, बस मैंने हर जगह से BR को हटाना था, तो एक एक करके हटाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, इसलिए मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ BR था उसको फाइंड करके उसको स्पेस के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब कंट्रोल एस करेंगे और इसे देखेंगे तो ये एडजस्ट कर लेगा अपने आप पैराग्राफ को, जितना दूर आपने वेट दिया है उसी के बीच में आपके पैराग्राफ को जो है एडजस्ट कर लेगा। और इसके बाद में देखिए, ये फॉन्ट साइज़ भी अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिवीज़न के अंदर ही अगर हम लिख दें, अगर हम लिख दें फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज़ में यहाँ पे हम लोग 20 पिक्सल दे रहे हैं, 20 पिक्सल, तो इसका फॉन्ट साइज़ अभी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये 20 पिक्सल में ही है। ओके, तो 20 पिक्सल की जगह हम 30 पिक्सल करके देखते हैं कि कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं। ओके, ओह, तो ये वाला जो फॉन्ट है ना ये बाद में 4 कर दे रहा है, तो इसको पहले डिलीट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से 20-30 पिक्सल हो रहा है और बाद में ये वाला फॉन्ट जो था वो उसको फिर से 4 कर दे रहा था। चलिए अब देख लेते हैं एकदम एग्जैक्टली इसका असर पड़ा, 20 पिक्सल ही रहने देते हैं, काफ़ी होगा। चलिए तो ये भी हो गया काम। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो डिवीज़न है इसको थोड़ा सा बीच में लाते हैं, बीच में लाते हैं कैसे, अच्छा यहाँ पे सॉलिड की जगह अगर डबल लिखें तो क्या होगा देखते हैं ज़रा, डबल बॉर्डर जो है वो डबल हो जाएगा, नहीं हुआ, डॉटेड होता है, सॉरी डॉटेड, ओके डॉटेड हो गया है ना, सॉलिड ही रहने देते हैं। चलिए इसके बाद में हम डिवीज़न के ही स्टाइल को लिख रहे हैं, डिवीज़न का स्टाइल बॉर्डर हो गया, वेट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, अब हम थोड़ा सा इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग क्या होता है वो दिखाते हैं अभी हम आपको। पैडिंग में मैंने 5 पिक्सल का पैडिंग दिया, अब ये पैडिंग क्या होता है, अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बॉर्डर है बॉर्डर के एकदम पास से, वीडियो क्लिक ये जो भी लिखा हुआ है एकदम पास से है बॉर्डर के, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखे, तो उसके लिए हमने पैडिंग लगाया। तो 5 पिक्सल का पैडिंग देने पे देखिए थोड़ा सा इसने बॉर्डर से जगह छोड़ दिया है, लेकिन खैर 5 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हम इसको 10 पिक्सल करके चेक करते हैं कि कैसा लगता है, हमें बस इसमें चेक करना होता है कि किस पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। 10 पिक्सल पे थोड़ा और इसने छोड़ दिया जगह, और अगर 15 पिक्सल कर दिया जाए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से हम पैडिंग दे दिया हमने। अब पैडिंग देने के बाद में हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा बीच में लाना है, बीच में लाने के लिए हमने इसको दिया मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, कौन सा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से मार्जिन। देखिए ये जो डिवीज़न ये बॉर्डर से इंडिकेट हो रहा है इसके लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे, 100 या 200 पिक्सल का मार्जिन छोड़ रहे हैं, पहले 100 पिक्सल का छोड़ के देखते हैं, 100 पिक्सल, ओके 100 पिक्सल में इतना गया, 200 पिक्सल करके देखते हैं, ठीक है 300। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है कि कितने पे वो
बीच में चला जा रहा है। एक काम और कर सकते थे आप, उसको सेंटर कर सकते थे अलाइन, ठीक है। आप ये मार्जिन ना लगा के डिवीज़न के पहले अगर सेंटर लगा देते तो वो बीच में चला ही जाता। खैर लेकिन मार्जिन वाला सही है कि मार्जिन से हो गया हमारा 300 हो गया, 400 कर देते हैं इसको, 400 पिक्सल अब बीच में है। अब 400 पिक्सल ये लेफ्ट साइड से तो हो गया, अब ऊपर से करते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप हमारा हो गया 50 पिक्सल, ज़्यादा हो जाएगा देख लेते हैं, काफ़ी है। ये तो हो गया हमारा एक डॉक्यूमेंट बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एक ही यहाँ पे यूज़ किया सिर्फ डिवीज़न का। यहाँ पे आपको डिवीज़न का यूज़ मैंने अच्छे से बता दिया कि डिवीज़न में स्टाइल लगाकर आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से एक डॉक्यूमेंट को अच्छा खासा रूप दे सकते हैं। ये जो डिवीज़न अभी मैंने लगाया वो CSS का पार्ट है। ये डिवीज़न के बाद जो स्टाइल मैंने अभी लगाया है ना, ये स्टाइल CSS का पार्ट है, और ये स्टाइल CSS का पार्ट है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है, और अब आपको जो है इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।